हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वराज सहाय और आज के इस वीडियो में मैं आपको पुणे की 10 बहुत अच्छी घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप पुणे घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क और इसे कटराज जू भी कहते हैं। इस जू को 1999 में लोगों के लिए ओपन किया गया था और यहाँ पर 390 के करीबन एनिमल्स हैं। और यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बेयर, लेपर्ड, एलिफेंट जैसे जानवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 9 पर है पार्वती हिल। यहाँ से आपको पूरे पुणे का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है और पार्वती टेम्पल बहुत ही पुरानी टेम्पल है। आप पुणे जाए तो यहाँ जरूर विजिट करें। पहाड़ी के ऊपर बसा पार्वती टेम्पल बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। और नंबर 8 पर है क्रुसनाई वाटर पार्क। ये पुणे की बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर पार्क है और ये वाटर पार्क सुबह के 10 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। और ये एक रिजॉर्ट भी है और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में आकर इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप काफ़ी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। नंबर 7 पर है पटालेश्वर केव्स और ये पुणे में शिवाजी नगर में स्थित है और इसे पंचालेश्वरा टेम्पल और भंबुडे पांडव केव टेम्पल भी कहते हैं। ये पत्थरों से बना बहुत ही खूबसूरत केव है। इसे 8वीं शताब्दी में पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। नंबर 6 पर है राजा डिनकर केलकर म्यूजियम और ये 3 मंजिला म्यूजियम है। ये म्यूजियम हर दिन सुबह के 10 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है और 1920 में इसे लोगों के लिए ओपन किया गया था। आप इस म्यूजियम में जरूर जाएं। इस म्यूजियम में आपको पुरानी संविधान की काफी कुछ देखने को मिलेंगी। नंबर 5 पर है पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन और ये पुणे की सबसे बड़ी गार्डन है और ये हर दिन सुबह के 6:30 से शाम के 8 बजे तक ओपन रहता है और ये गार्डन 10 एकड़ में फैला हुआ है और इसे पुला देश पांडे उद्यान भी कहा जाता है। नंबर 4 पर है सिन्हागढ़ फोर्ट। ये किला सिन्हागढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है और ये पुणे शहर से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। माना जाता है कि ये किला 2000 साल पुराना है और ये काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर पर्यटक काफी दूर दूर से आते हैं। नंबर 3 पर है गणपति टेम्पल और इसे श्रीमंत दगदू सेठ हलवाई गणपति टेम्पल भी कहते हैं। ये पुणे की काफी प्रचलित टेम्पल है और ये टेम्पल समर्पित है भगवान गणेश जी को। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और ये काफी पुरानी टेम्पल है। और नंबर 2 पर है आगा खान पैलेस। इस पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने बनवाया था। इसे लोगों के लिए 1892 में ओपन किया गया था और ये काफी अच्छी और एक ऐतिहासिक महल है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है और यहाँ पर टूरिस्ट काफी आते हैं। आप पुणे जाएं तो यहाँ पर जरूर जाएं। और नंबर 1 पर है शनिवार वाडा। इसका निर्माण सन 1732 में किया गया था। शनिवार वाडा में कुल 5 गेट है जिनमें से हर गेट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो पहला गेट है उसे दिल्ली दरवाजा, दूसरे गेट को मस्तानी दरवाजा, तीसरी गेट को खिड़की दरवाजा, चौथे गेट को नारायण दरवाजा और पांचवे गेट को गणेश दरवाजा कहा जाता है। और ये पुणे की काफी पॉपुलर पर्यटक स्थल है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।